नमस्कार, आप देख रहे हैं सार न्यूज। मैं अभी मौजूद हूँ आर ब्लॉक के पास वीर कुंवर सिंह पार्क और यहाँ पे लगा हुआ है बागवानी महोत्सव 2022 जो यहाँ पे लगाया गया। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन, मेरे तस्वीर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के द्वारा बिहार बागवान विकास सोसाइटी के द्वारा बागवान महोत्सव बिहार 2022 यहाँ पे लगा हुआ है। पूरे बिहार से, बिहार के जितने जिला हैं तमाम जगह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप पूरे तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी तादाद में भीड़ है। हर तरह के यहाँ पे सब्जी वाले, फूल वाले हैं, वो हर तरह के यहाँ पे बागवान का जितना भी चीज़ होता है यहाँ तक फल फूल सारा चीज़ लगा हुआ मिला। अब तस्वीर के माध्यम से देखिए यहाँ पे काफ़ी तादाद में भीड़ है, काफ़ी पूरे बिहार जिला से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इस तरह के तमाम ताज़ा खबरों के लिए। मेरा नाम जैनब बेगम हुआ और हम बिहार के मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण जिला से ढाका प्रखंड बढ़रवा फतेह मोहम्मद से। मशरूम से क्या क्या चीज़ आप बनाते हैं? सर हम मशरूम का खेती भी करते हैं और ओस्टर मशरूम का जो है मार्केट में कहीं डिमांड नहीं है। और ओस्टर मशरूम खाने में सबसे ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि वो केमिकल फ्री होता है, ऑर्गेनिक तरीके से हम उसको उगाते हैं। आप सैंडविच बना रही हैं? सैंडविच जो ये क्या क्या इसमें आपने डाला? सैंडविच जो हम यहाँ पे बना रहे हैं तो इसमें हमारा है मशरूम है, उसके बाद में कैप्सिकम है, उसके बाद में कैबेज है, शिमला मिर्च है, मिर्च है और मशरूम है इसमें, और टोमेटो सॉस और मशरूम सॉस मैं खुद घर से तैयार करती हूं। तो ये जो आप वहाँ भी बना के बेचते हैं? हाँ, वहाँ पे भी स्टॉल बनाए हैं। वहाँ पे भी अभी स्टॉल नहीं है, मेरे फार्म से ही जैसे मशरूम का ये हो गया, चॉकलेट हो गई है, मशरूम का चॉकलेट। अच्छा, तो बच्चे लोग जो है इसको खाना पसंद करते हैं चॉकलेट, तो बच्चे जो है मशरूम नहीं खाते हैं तो उसके लिए ये मशरूम का चॉकलेट है। क्या रेट है? एक है 10 ग्राम का है, 10 रुपीज का है। इसका टाइम, इसका जो लाइफ है 1 महीना तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, कोई इसका टेस्ट नहीं बदलता है। और ये सैंडविच जो आप बना रही है तो सैंडविच कहीं बेचती हूँ, कहीं लगाती हूँ, कहीं सप्लाई करती हूँ? वहाँ पे ही मेरे मोतिहारी में ही मेरे फार्म है, वहाँ पे कभी चॉकलेट का, पिज्जा का, इसका बिस्किट बनाते हैं और ये जो है इसका पिकल है, इसका ही सब बनाते हैं। तो हमको ऑर्डर आता है तो हम घर से ही बना के देते हैं, लेकिन अभी मेरा वहाँ पे सेंटर खुलने वाला है।